उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच लंबी बैठक चली आज। बैठक में शिवसेना विधायकों की नाराजगी पर हुई बात। संजय राउत से नेताओं की नाराजगी पर ही उद्धव ने की बात। सूत्रों के हवाले से खबर, संजय राउत को झेलनी पड़ रही है शिवसैनिकों की नाराजगी, शिवसैनिकों की बात नहीं सुनने की संजय राउत पर का आरोप, संजय राउत पर आरोप लगा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, उद्धव से ज्यादा संजय राउत से नाराज है विधायक, यह खबर है हमारे पास। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का बहुत बड़ा दावा, शॉर्ट्स के साथ गोपाल शेट्टी ने संजय राउत की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पार्टी के नेताओं की नहीं सुनते हैं संजय राउत, गोपाल शेट्टी ने कहा। यह दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट्स के साथ, मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, आपने गोपाल शेट्टी का इंटरव्यू लिया, संजय राउत से नाराजगी की बात हो रही है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? ये जो विधायक गए हैं संजय राउत से उखड़े हुए हैं और संजय राउत जो है वो वहां पर डटे हुए हैं? देखिए, जो फीडबैक है वो इस तरह से है कि संजय राउत एक बहुत बड़ी दीवार बन चुके थे। एक तो सीएम उद्धव ठाकरे के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा नॉट रिचेबल थे अपने विधायकों के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, दूसरे जो संगठन के जो दूसरे सहयोगी दल है उनके लिए। और बीच में उस दीवार के बीच में संजय राउत एक अलग लेवल की दीवार बन चुके थे, यानी कि अगर आपको वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर अगला रास्ता संजय राउत का था। और संजय राउत का बात करने का तरीका, संजय राउत का उनसे उनकी बातों को सुनने का अंदाज, ये सब जो है उनको बहुत ही ज़्यादा साल रहा था, उनको कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। और संजय राउत का जो बड़ बोलापन है वो भी एक बड़ी उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा था। तो ये जो फीडबैक है और ये जो फीलर्स है ये उस बागी खेमे से लेकर के बीजेपी के जो विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, वहाँ तक एक ही रूप में गया है। आप जो बता रहे हैं, आप सियासी उठापटक के बीच संजय राउत के घर के बाहर लगे बैनर, प्लीज जरा विजुअल्स प्ले करिएगा। बैनर पर लिखा, तेरा घमंड तो चार दिन का है पगले। बैनर पर लिखा, हमारी बादशाही तो खानदानी है। ये लीजिए संजय राउत के घर के बाहर लगे बैनर, फिर से ब्रेकिंग बढ़ाएंगे हम। सियासी उठापटक के बीच संजय राउत के घर के बाहर लगे बैनर, बैनर पर लिखा, तेरा घमंड तो चार दिन का है पगले। बैनर पर लिखा, हमारी बादशाही तो खानदानी है। ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा यहां पर, ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स के साथ सीधे चलूंगा मैं जोशी सर के पास। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं यहां पर क्या है बोन ऑफ कंटेंशन सबसे बड़ा। आप आदित्य ठाकरे वो एक फैक्टर है, संजय राउत वो एक और फैक्टर है, या कांग्रेस से अलायंस और एमएलओ को एमएलए जो है उनको तरजीह नहीं देना वो एक फैक्टर है, या उद्धव ठाकरे जाहिर सी बात है उनकी तबीयत खराब है उनका एमएलए से कम इंटरेक्शन वो फैक्टर है, यहां पर कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है? नहीं नहीं, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन जब भी कभी सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार के कदमों के नीचे से कालीन खींचा जाता है, तो ये इस तरह के तमाम बहाने किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो दो विधायक कह रहे हैं मुझे किडनैप करके ले गए, वो क्या उनको इंजेक्शन लगा करके बेहोश करके ले गए थे? एक अच्छा खासा आदमी उनको ले जाया जा रहा है, दो लोग लौट के आ गए हैं, चार लोग जा रहे हैं, उनके अलग अलग वजह बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। दरअसल जो आपने सबसे शुरुआत में कहा था, माल मत्ता मिल जाता है तो टिक जाते हैं, माल मत्ता नहीं मिलता है तो वापस चले जाते हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग का ट्रेडिशन, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, ये इंग्लैंड में भी होता था। घोड़े खरीद फरोख्त जो है एमएलए की होती रहती थी, तो इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। कर्नाटक में हमने देखा, जिस घोड़े की जितनी ज्यादा कीमत लग गई वो घोड़ा उतने जो है तेजी से दौड़ता हुआ जो है स्टेबल में पहुंच गया, अगर नहीं लगी तो वो पीछे रह गया। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बात इसमें माननी पड़ेगी, शरद पवार ने ये खबरें आई हैं, उद्धव ठाकरे को चार पांच महीने पहले ही ये चेतावनी देती थी, खबरदार कर दिया था कि आपकी पार्टी के भीतर ही असंतोष है। दरअसल क्या है, ये बादशाही, अभी कोई पोस्टर आप देख रहे थे, कौन कहता है डेमोक्रेसी में किसी की बादशाही है? खानदानी बादशाही किसके, कौन कह रहा है? ये किसका पोस्टर है और खानदानी बादशाही किसने किसको दे दी है? ये जहां पर भी विधायक हैं, जहां पर भी उनको लगता है कि ज्यादा मिल रहा है वहां वो पहुंच रहे हैं। सब ये ऐसा कर रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई हो सकता है बहुत ही आइडियोलॉजिकली कमिटेड भी हो, उनको लगता है कि हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे ने कंप्रोमाइज कर लिया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस से हाथ मिला लिया, इसलिए वो व्यथित भी होंगे। लेकिन
ये जो व्यथा होती है इसको सुर तभी मिलता है जब इस पर कुछ वजन रखा जाता है, और ये वजन जिसके पास आ रहा है वो जा रहा है। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये किसको लग रहा था, ये किसी को गलतफहमी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जब टूट रही है तो वो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस, यही वही शिवसेना है जो पाकिस्तान की टीम जब आती थी पीछे खोद देती थी। बम्बई शहर में सब उगाही करते थे शिवसेना के, और इनका इनका काफी मतलब वहां डर फैला हुआ था।